मैनपुरी में कोरोना संक्रमण के बीच जिन बच्चों के माता पिता का निधन कोरोना बीमारी के कारण हुआ है, ऐसे असहाय बच्चों के शिक्षा का जिम्मा सुदित ग्लोबल एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर राम मोहन ने लिया और क्या बताया है कि ऐसे कोरोना काल में चाहे हमारे देश के शहीद सैनिक हो या पुलिस आर्मी हो या आम जनमानस, इस बीमारी ने मानवता के चेहरे को झकझोर कर रख दिया है। इस बीमारी के संक्रमण को देखते हुए डॉक्टर राम मोहन ने एक अच्छा और सही फैसला लिया है, जिससे कि बच्चों की शिक्षा पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस पहल की शुरुआत के लिए डॉक्टर राम मोहन ने पहला कदम उठाया है और साथ ही इसको लिखित में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के पास पत्र भी सौंपा है। हम दोनों ये सोच रहे थे, देख रहे हैं, हमने भी इस लॉकडाउन में अपने भाई को खोया है, अपनी भाभी माँ को खोया है, तो जो दर्द होता है, जो परिस्थितियाँ होती है वो हमने देखा। दूसरे मैं देख रहा हूँ कि पैसा, पावर, सब कुछ बेकार है इस समय, केवल सामाजिकता, मानवता ही सब कुछ है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगर कोरोना काल में किसी बच्चे के माँ बाप में से कोई एक चला गया है तो हम उस बच्चे को 50% छूट देंगे, अगर किसी के माँ बाप दोनों ही नहीं रहे हैं तो उसको 100% छूट में पढ़ाएंगे, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है तो जैसे ही हॉस्टल चालू हो जाएंगे, सब ठीक होके, उस बच्चे को हॉस्टल में भी पूरी 100% फीस की छूट देकर पढ़ाएंगे, मतलब उसका हॉस्टल में भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी काल में अगर कोई देश की सेना पर शहीद हुआ है या कोई हमारा पुलिस का भाई या डॉक्टर शहीद हुआ तो उनके बच्चों को 100% की छूट दी जाएगी। ये सब इसलिए किया गया है कि ये समय है इंसान को इंसान के काम आने का, ये समय है मानवता दिखाने का, ये समय है कि जो आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर दें। तो ये मैंने सोचकर हम दोनों ने इस चीज़ का एक प्रस्ताव पास किया, हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी रिटर्न भेज दिया है, हमने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी भेज दिया है। हम इस चीज़ को आप लोगों के द्वारा इसीलिए ये चाह रहे हैं कि प्रचार करें, क्योंकि ज़िंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी किसका कब साथ छोड़ जाए कुछ नहीं पता है, इसलिए ये सोचा गया है और इसलिए प्रस्ताव बना गया है कि जब तक ये विद्यालय रहेगा, अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो उसको 12th तक की एजुकेशन पूरा कराना इस विद्यालय की जिम्मेदारी होगी। जैसे कि इस तरह की योजना है कोई, हाँ, शायद मेरे हिसाब से ये अभी हम लोगों ने ही ऐसी व्यवस्था की है कि छात्रों की शिक्षा में कोई भी व्यवधान ना आए, उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे। तो और मुझे उम्मीद है कि समाज के और लोग भी सहयोग के लिए, ऐसे छात्रों के लिए जिनकी शिक्षा में कोई व्यवधान ना आए, उनके सहयोग के लिए आगे आएंगे ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य को बना सकें, क्योंकि इस महामारी से जो उन्हें दुख हुआ है, जो वो आहत हुए हैं, उनकी उस क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता, बट हाँ इतना ज़रूर है कि हम उनका शिक्षा में सहयोग करके उनके भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, ताकि उन्हें वो दर्द ज़्यादा महसूस ना हो कि अपने माता पिता के बिना वो उनका भविष्य ही समाप्त हो गया है। तो भविष्य उनका उज्ज्वल बनाने के लिए हम दोनों ने ऐसा विचार किया है कि हम बच्चों की शिक्षा को उसमें कोई व्यवधान नहीं आने देंगे, उसे सुचारू रूप से चलाएंगे।